नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। मैं चंदन सिंह। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। ओडिशा के बालासोर कोरमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपर फास्ट तथा मालगाड़ी में आपस की भिड़ंत, एक हृदयविदायक घटना है। अभी तक 400 लोगों से ज्यादा की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हो रही है। वही 1000 से अधिक गंभीर घायल लोग भी हुए हैं। इस घटना से संपूर्ण देश में शोक की लहर है। कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने स्थानीय चौक स्थित इंदिरा गांधी प्रतिमा स्थल प्रांगण में रेल दुर्घटना में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन धारण कर ईश्वर से मृतक के परिजनों को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के आह्वान के बाद उड़ीसा कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता यथासंभव मदद के लिए घटना स्थल पर पहुँच कर काम कर रहे हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रतिनिधि सह क्षेत्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिठू, पूर्व विधायक मोहम्मद खान अली, जिला उपाध्यक्ष बाबूलाल प्रसाद सिंह, राम प्रमोद सिंह, दामोदर गोस्वामी, राजीव रंजन, विपिन कुमार, उदय शंकर पालित, मो समद असरफ इमाम, शिव कुमार चौरसिया, वाल्मीकि प्रसाद, जगरूप यादव, जितेंद्र यादव, सुरेंद्र मांझी, विनोद उपाध्याय आदि ने कहा कि एक साथ 3 ट्रैक पर चल रही ट्रेन के टकराने की घटना की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग भी की। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेनों में एंटी कोलिजन डिवाइस नहीं लगे रहने के कारण एवं सिग्नल सिस्टम खराब होने से ऐसी हृदय विदारक हादसा होने की बातें सामने आ रही हैं। नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार में रेलवे सुरक्षा कवच, वंदे मातरम ट्रेन चलना शुरू हो गई है, बुलेट ट्रेन चलने की बातें हो रही हैं, तो दूसरी ओर 3 ट्रेनों का एक साथ टकराना आश्चर्यजनक बातें हैं। नेताओं ने सभी मृतकों को 20 लाख मुआवजा एवं घायलों को समुचित इलाज कराने की मांग सरकार से की है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गया बिहार से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। उड़ीसा के बालासोर में कोरमंडल एक्सप्रेस के साथ एक दूसरे एक्सप्रेस ट्रेन पर गिरने और वो दोनों को फिर मालगाड़ी यानी 3 ट्रेनों के आपसी टकराहट में, आपसी हृदय विदारक घटना में जो आज लगभग 400-500 लोग पर लोग सिधार गए, मौत हो गई और हजारों लोग अभी जीवन मौत से जूझ रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना किए 2 मिनट मौन रख करके, या ईश्वर उनके परिवार को सहन शक्ति प्रदान करे और साथ ही साथ मृतकों को 25-25 लाख रुपया मुआवजा और घायलों को उचित इलाज कराने की मांग करती है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर उड़ीसा कांग्रेस के सभी नेता कार्यकर्ता वहां रेस्क्यू में जुट गए हैं और कांग्रेस पार्टी ये भी कहना चाहती है माननीय रेल मंत्री से कि आप भी मानवता दिखाएं और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें ताकि ये मैसेज जाए, ये बहुत हृदय विदारक और बड़ी घटना है। इतना ही कह के मैं अपने शब्दों को आरंभ देता हूँ।